मेरा नाम उपकार बावरा है, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से चीफ हूँ और राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। उद्देश्य ये है कि जो सरकार की दमन नीतियाँ हैं और जो कानून इसने काला कानून जो लगाया हुआ है NSA और UPCA, क्या होता है ये UAPA, और जिस प्रकार के जो जितने भी कानून हैं, हम चाहते हैं कि वो सरकार उन कानूनों को हटाए, उसमें संशोधन करें, उनको ख़त्म करे। ठीक है, इस चीज़ के लिए इसमें क्या होता है कि सरकार ने काले कानून बनाए हैं ताकि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग दलितों की, जो लोग पिछड़ों की, जो लोग मजदूरों की, जो लोग शोषितों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अवैध रूप में इन एक्टों में फंसा करके उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये सरकार की दमन नीतियाँ हैं और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज एकजुट हुए हैं। टीम रखा, किस किस को कैद करोगे? बिल्कुल, देखिए किस किस को कैद करोगे का मतलब ये है कि भैया किस किस को कैद करोगे, मैं भी खड़ा हूँ और मेरे साथ और 50 लोग और खड़े हैं, मेरा पूरा भारत खड़ा है, किस किस को कैद करेंगे आप? मेरी पूरी कौम खड़ी है, किस किस को कैद करेंगे आप? चलिए हम लोग कह देते हैं कि भैया पूरी कौम को जो है आप लोग कैद कर लीजिए, क्या कर लेंगे? आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति वही रहेगी कि हम जुल्म जाति के खिलाफ खड़े रहेंगे, कहीं भी अगर हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा तो हम उसमें जो है किसी भी रूप से उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए एकजुट होंगे और एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जो संवैधानिक दायरा है हम उसमें रह करके अपनी बात को मनवाएंगे, सरकार से, प्रशासन से, किससे भी। जो आप कानून खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, क्या आप कानून मंत्री से मिले देखिए जो लोग यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग इस चीज़ से भलीभांति परिचित हैं, वो लोग मिले भी होंगे शायद जा करके, परंतु मैं अभी तक नहीं मिला। 20 मार्च 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भाई ये जो SC/ST एक्ट है इसका लोग बाग जो है दुरुपयोग करते हैं। अब उनको कौन बताए भाई कि कौन दुरुपयोग करता है, कौन सदुपयोग करता है? तो उस एक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ फेरबदल किए गए, उन फेरबदलों पे हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया क्योंकि ये फेरबदल उस एक्ट की आत्मा छीन रहे थे, उसकी आत्मा खत्म कर दे रहे थे, उस एक्ट को निष्प्रभावी कर दे रहे थे। इसलिए हम लोगों ने 2 अप्रैल को भारत बंद करने का ऐलान किया। हम लोगों ने भारत बंद करने का ऐलान किया शांतिपूर्वक धरने, शांतिपूर्वक रूप से, परंतु उस बंद में कुछ असामाजिक तत्व जो RSS के लोग होते हैं, बजरंग दल के लोग होते हैं, उन लोगों ने आकर के उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को आक्रामक बना दिया, उसमें हिंसा कर दी और प्रशासन को मौका मिल गया कि भैया तो ले लो उनको, और प्रशासन ने उस आंदोलन में हमारे 13 नौजवान साथी मार गिरे, 13 नौजवान साथी पूरे देश में, 4 लोगों पर NSA लगी जिनमें से एक मैं भी, 6-6, 9-9, 10-10 मुकदमे लगे जिनमें से एक मैं भी। साथियों 3 लोग, 2 लोग आज भी NSA में बंद है, मुजफ्फरनगर की जेल में 2 अप्रैल के मामले में। जिस तरीके से इस मनमोहन सरकार ने भीमा कोरेगांव में जो सामाजिक वर्कर होते हैं, जो समाज की बात उठाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को जेल में घुस करके डाल दिया, उसी प्रकार से मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही हुआ। जो समाज की बात करने वाले लोग थे, जो समाज को दिशा दिखाने वाले लोग थे, उनको चुन चुन करके जेल में डालने का काम कर रही है सरकार, परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज समाज क्या की ओर बचाव हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में फोकट में नहीं मिलती, हर चीज के लिए बलिदान देना पड़ता है और बलिदान देंगे हम लोग, हर हद तक बलिदान देंगे हम लोग, चाहे जेल क्या फांसी को लग जाए, उसके आवाज, उसके खिलाफ एक आवाज बुलंद करेंगे।
साथियों समय कम है, अपनी बात एक मिनट में खत्म करना चाहता हूं। हम लोगों को एकजुट होकर के इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है, सभी को लड़ना है। मैं भीमार्मी की तरफ से आप सभी का पूरा पूरा समर्थन करता हूं और कहता हूं आप सभी से खाते मर आवे सपने झूठे दिखाए से हर हर मोती हर हर मोती आंख्या पै पर लाए से भ्रष्टाचार मिटावे से विकास के बाद दिखाए से नहीं। देखिए आज आप जैसा जानते हैं कि जो साथी भीमा कोरेगांव के केस के संदर्भ में जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो एक साल को होने को हो गया है आज, तो ये प्रोटेस्ट जो है, जो प्रदर्शन जो है, ये वो उनकी सपोर्ट में है। और एक बार फिर हमारा जो हमारा फोकस जो है उस मुद्दे पे लाने का है कि किस तरह इन लोगों को सरासर ना तो कोई केस बनता है, ना तो कोई उसकी ठीक तरह से सुनवाई हो रही है, और उनको बस बंदी बना के रखा हुआ है। वो लोग ऐसे जो कि इस देश के सबसे गरीब तबके उनकी लड़ाई के साथ जुड़े हुए थे, जिनके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, तो आज वही लोग हैं जिनको जेल में बंद किया गया है और उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है। और आज की रैली जो है वो इस बात का प्रतीक है कि वो आवाज़ जो है वो कभी बंद नहीं होगी, वो लड़ाई जारी रहेगी। देखिए रणनीति जो ये जब पब्लिक मास मूवमेंट जो होता है, ये कोई एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है एक के वो रणनीति के साथ चलें। अलग अलग आज जैसे आप देख रहे हैं आज के प्लेटफॉर्म पे यहाँ 40 से ऊपर संस्थाएं जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मूवमेंट्स, फ्रंट्स जुड़े हुए हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सब ये मानते हैं कि आज के दौर में जो गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो रहा है उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनको हमारी नज़रों से ओझल करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी रणनीति यही है कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और ये किसी को भूलने नहीं देंगे कि ये लोग जो जेल में हैं सरासर ये बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफी हो रही है।